आइसरो ने आदित्य L1 की ऑर्बिट फिर बढ़ाई। आखिर क्या है इसका मतलब, सोलर मिशन की सफलता के लिए क्यों है बेहद अहम। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आइसरो एलिवेट्स आदित्य L1 टू अर्थ ऑर्बिट 40,000 किलोमीटर अवे। आदित्य L1 को लॉन्च के बाद 16 दिनों के भीतर 5 बार ऑर्बिट को बढ़ाने की प्रक्रिया के जरिए L1 पॉइंट तक अपनी यात्रा के लिए जरूरी वेग हासिल करना होगा। उनमें से 2 को अब तक सफलता से पूरा किया जा चुका है। उसे 282 किलोमीटर X40 225 किलोमीटर की नई कक्षा हासिल हुई है। इसरो ने आदित्य L1 के ऑर्बिट को बढ़ाने के दूसरे चरण को पूरा कर लिया है। यह अब पृथ्वी की 282×40,225 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। इससे आदित्य L1 को 15,00,000 km दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने के लिए जरूरी वेग मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सूर्य वेधशाला आदित्य L1 के ऑर्बिट को बढ़ाने के दूसरे चरण को पूरा कर लिया है। यह अब पृथ्वी के अपने निकटतम बिंदु पर 282 किमी और पृथ्वी के सबसे दूर के बिंदु पर 40,225 किमी की अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। ऑर्बिट बढ़ाने की यह प्रक्रिया आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15,00,000 किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक की अपनी 4 महीने लंबी यात्रा के लिए जरूरी वेग हासिल करने में मदद करती है। इसरो के सोलर मिशन को शनिवार को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से PSLV रॉकेट के जरिए पृथ्वी की निकट कक्षा में लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को लॉन्च के बाद 16 दिनों के भीतर 5 बार ऑर्बिट को बढ़ाने की प्रक्रिया के जरिए L1 पॉइंट तक अपनी यात्रा के लिए जरूरी वेग हासिल करना होगा। उनमें से 2 को अब तक सफलता से पूरा किया जा चुका है। ऑर्बिट को बढ़ाने का पहला चरण आदित्य L1 के लॉन्च के अगले दिन रविवार को किया गया। तब उसे 245 किलोमीटर गुने 2D459 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC ने आदित्य L1 की कक्षा को दूसरी बार बढ़ाने का काम सफलता से पूरा किया। मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने इस ऑपरेशन के दौरान उपग्रह को बारीकी से ट्रैक किया, जिससे 282 किलोमीटर गुने 40,225 किलोमीटर की नई कक्षा हासिल हुई। अगला चरण आदित्य L1 की ऑर्बिट को बढ़ाने का तीसरा चरण 10 सितंबर को लगभग 2:07 तय है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए आदित्य L1 धीरे धीरे अपने इंजन का उपयोग करके खुद को L1 बिंदु की ओर बढ़ाएगा और आखिर में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को छोड़ देगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ने के बाद सोलर मिशन अपने क्रूज स्टेज में चला जाएगा। आदित्य L1 के प्राथमिक उद्देश्यों में सोलर विंड का अध्ययन करना शामिल है, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को बाधित कर सकती हैं। लंबी अवधि में इस मिशन से एकत्रित डेटा पृथ्वी के जलवायु पैटर्न पर सूर्य के प्रभाव की गहरी समझ में योगदान दे सकता है। हेलो ऑन ऑर्बिट 110 दिनों के बाद आदित्य L1 अपने लक्ष्य L1 बिंदु पर पहुंचेगा और L1 लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक कक्षा स्थापित करने के लिए एक और प्रक्रिया से गुजरेगा। इसके जरिए वह एक बड़ी हेलो ऑन ऑर्बिट हासिल करेगा। अपने मिशन जीवन के दौरान आदित्य L1 अनियमित आकार की कक्षा में L1 की परिक्रमा करेगा, जो पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा के लगभग लंबवत होगी। L1 लैग्रेंज बिंदु पर रणनीतिक रूप से स्थित आदित्य L1 सूर्य का निरंतर और बिना किसी बाधा के अध्ययन करेगा। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के प्रभावित होने से पहले ही सोलर रेडिएशन और चुंबकीय तूफानों का निरीक्षण करेगा। इसी तरह का जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Do-d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 o